बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 मैं आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है कि यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है एक्स क्यूब अपॉन, हम लेट कर लेते हैं इसे, लेट। आप इसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स की फॉर्म में है तो हम इसे ले लेते हैं यू की इक्वल लेट, यू के इक्वल लेट कर लेते हैं। यू इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पर चाहें तो वाई इक्वल्स टू, अब हमें गिवन है एक्स क्यूब, तो y को हम इक्वल कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि y बराबर है x क्यूब के, क्योंकि आपको कहा गया है कि आपने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। अब चाहें तो आप ये जो x क्यूब की जगह है ना, इसका अलग डेरिवेटिव लें, इसका अलग डेरिवेटिव लें और चेन रूल से इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अब ये बराबर है हमारे पास, यहाँ पर है, डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों जगह हम एक्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है यहाँ पर मालूम, तो हमें देखें असल में जो हमें मालूम करना है वो करना है डी यू बाय डी वाई, लेकिन अभी यहाँ मालूम कर रहे हैं डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ मालूम कर रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स। तो हमें डी यू बाय डी वाई कैसे मालूम होगा ये हम अभी आगे देखेंगे। हमें असल में ये मालूम करना है, ठीक है, यानी चेन रूल में हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास लगेगा कोशेंट रूल, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पर एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है डी यू बाय डी एक्स, इसके पास भी 3x स्क्वायर है, इसके पास भी, दोनों से कॉमन ले लें 3x स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब और यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, मतलब कैंसिल आउट कर दें इसको इससे, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और जस्ट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ लगेगा फॉर्मूला जो हम जानते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की एक्सपोनेंट n बराबर है n x की एक्सपोनेंट n माइनस 1, तो n है 3, ठीक है, और n में से 1 माइनस किया तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स। अब बाय यूजिंग चेन रूल हमें कहती है, हमें मालूम क्या करना है डी यू बाय डी वाई, तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा डी यू बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी वाई। अब हमने जो फाइंड आउट किया है वो है डी वाई बाय डी एक्स, अगर हम इसे पलट दें, क्या कर दें, ये ऊपर चला जाए डी एक्स और डी वाई नीचे आ जाए, तो ये सामने वाले फ्रैक्शन भी पलट जाएगी 1/3x स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी वाई आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि हमें आपको बताना चाहती थी कि हमें चाहिए क्या, डी यू बाई डी वाई चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी यू डी वाई, तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल, डी यू बाई डी वाई बच जाएगा, तो यह है डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स आया है 3x स्क्वायर
अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी यू बाय डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, जो कि था कि अगर हम चाहते तो हम यहाँ पर जो हमने एक्स क्यूब के जो वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट कर देते एक्स क्यूब की जगह, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का है, इन्होंने हमें चेन रूल का यूज़ करने के लिए नहीं कहा। हम उस मेथड से भी जो है वो उसको सॉल्व कर सकते थे, यानी कि वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब की जगह हम यहाँ पर वाई पुट कर देते और डिफ्रेंशिएट कर देते। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसमें वापस वाई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते एज अ एक्स क्यूब, तब भी आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर ऐसे ही आना है। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।